सो दोस्तों ये है डीएस ढाबा होशियारपुर रोड, यानी ये रोड नवा शहर से आ रही है और पहले इनका ये ढाबा था डीएस ढाबा, तो इन्होंने दोबारा ये ढाबा परचेज कर लिया। इतनी मेहनत की कि इन्होंने साथ का पेट्रोल पम्प भी ले लिया। ये देखिए भैया जी क्या बात है। सो यहाँ पर इन्होंने बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, तो बिल्कुल ढाबे के पीछे इन्होंने ये वॉशरूम बनाए हैं जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है। यही नहीं, यहाँ पे लोग फंक्शन भी करते हैं। ये देखिए इनका ये हॉल है, ऊपर ढाबे के ऊपर ये हॉल है। सो लोग यहाँ पे दूर दूर से इनकी मक्की की रोटी और सरों का साग खाने के लिए आते हैं। ये देखिए जरा बाहर का नज़ारा, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं और यहाँ पे वोल्वो बस जो कि दिल्ली अमृतसर को जाती है आके यहाँ पे रुकती है। सो इन्होंने दोबारा मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने के लिए। जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो यहाँ से स्टार्ट की थी। इनकी जो किचन है बहुत ही मशहूर है पूरी दूर दूर में। ये देखिए ये सामने खाना बनाती है, देखिए कितनी साफ किचन है इनकी। यहाँ की जो भी बनता है आपके सामने बनेगा। यहाँ पे आप दूसरे ढाबों पे जाते हैं लेकिन आपको किचन इतनी साफ सुंदर दिखने को नहीं मिलती है। ये है यहाँ का एसी हॉल, यहाँ पे बैठ के आप अपना लंच इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितना साफ सुथरा है। सो भैया जी ये मैंने प्लेट मंगवाई है जिसका प्राइस है 300 रुपीज़। इसमें मिला है दाल मखनी, मिक्स वेज, शाही पनीर, राइस, सैलड, गुलाब जामुन और ये बटर नान। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है जो अचार है ना इनका, घर का बना हुआ है। हमने खाना शुरू भी नहीं किया और मेरा बेटा सबसे पहले गुलाब जामुन खाएगा। अंशु खा ले। दोस्तों सबसे पहले मैं कढ़ाई पनीर के साथ टेस्ट करने जा रही हूँ। टेस्ट परफेक्ट है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। 2 साल पहले भी हम इसी जगह आए थे, टेस्ट में कोई चेंज नहीं है, सेम वैसा ही टेस्ट है, वही क्वालिटी है और वही बढ़िया प्रेजेंटेशन है। अपने व्यूवर्स को कहना चाहेंगे कि यहाँ पर एक बार जरूर आए। जी मैं व्यूवर्स को कहना चाहूँगी वो एक बार यहाँ विजिट ज़रूर करें। डीएस ढाबा ये होशियारपुर में लोकेटेड है, डीएस ढाबा होशियारपुर चंडीगढ़ रोड में। बहुत ही बढ़िया फूड है और स्टाफ जो है बहुत ही इनका पोलाइट स्टाफ है, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे। पार्किंग फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है और गार्डन भी अवेलेबल है यहाँ पे। मैरिजेस के लिए और फंक्शंस के लिए किट्टी हॉल, बैंकेट हॉल्स भी अवेलेबल हैं और रूम्स की सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं। सो भैया जी इनकी मिलती है गुड़ वाली चाय 20 रुपए की। खाना खाने के बाद ये चाय जरूर पिए एक बार, कभी भी आप आते हैं डीएस ढाबा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखिए डीएस ढाबा नवा शहर रोड होशियारपुर।